ये देख रहे हो ना, ये कहानी है कि आइडल में खड़ी रहती है ना गाड़ी, ये देखो देख रहे हो ना कितना ऐसा लगता है जैसे बंद हो जाएगी गाड़ी, ये बंद हो गई, जैसे ब्रेकर पे रोकते हैं ना गाड़ी, ये देखो बंद हो गई, जैसे रेड, ये देखो बंद हो गई। बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, गाड़ी मिस फायर नहीं कर रही है, मिस फायर करती है बंद होता है वो समझ में आता है, ये देखो बंद हो के अभी जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ना 70-80 की स्पीड में, तभी ये गाड़ी क्या होती है, बंद हो जाती है। कोई भी काम करूं उससे पहले एक बार कार स्कैनिंग करके देखता हूं, स्कैनर लगाओ जरा, हाँ उसको ठीक है, ये कार स्कैनिंग से स्कैन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या कोई फॉल्ट कोड आ रहा है क्या है इसके अंदर, देखते हैं कि क्या है फॉल्ट कोड, रीड डेटा, रीड फॉल्ट कोड, हाँ नो DTC दिखा रहे, यानी नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, यानी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा, बिना फॉल्ट कोड पे काम करना है गाड़ी का। अब समझिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए गाड़ी 2 महीने से फंस रही थी। भैया इस प्रॉब्लम के पीछे कस्टमर ने पूरा थ्रोटल बॉडी भी बदली करा लिया है, देख सकते हैं आप पूरा थ्रोटल बॉडी देख रहे हैं ना, टोटल बदली करा लिए, कई बार ISC वॉल बदली हो चुका है इसका, लेकिन फिर भी कहानी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। कुछ ऐसा इंजन का कंडीशन है भाई, थ्रोटल बॉडी देख सकते हैं चेंज हो चुका है थ्रोटल बॉडी, 2 महीने से परेशानी चल रही है इनको कस्टमर को। अब एक एक चीज़ देखते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने उसके स्पार्क प्लग, तीनों इग्निशन कॉइल देख सकते हैं, अपना स्पार्क प्लग भी बदल दिया हमने, इग्निशन कॉइल भी तीनों बदल के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, पाइप का प्रेशर देख लिया, तेल वाला जो प्रेशर है वो भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी ऐसे बिल्कुल सही तेल का प्रेशर भी आ रहा है, तो कहीं फ्यूल का भी प्रेशर नहीं। अब देखते हैं वायरिंग वायरिंग एक बार इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, उनसे वायरिंग चेक कराते हैं भैया कि क्या है वायरिंगों में, चेक कर लो कि क्या कुछ वायरिंग वायरिंग में पंगा तो नहीं है, क्यों कुछ ना कुछ तो है यार। इग्निशन कॉइल ये देखो बंद हो गई, देखो अब न्यूट्रल कर रहा हूँ, ये हाल है जी, हमने इसके तीनों इग्निशन कॉइल बदल दिए, लेकिन ये देखो ये कहानी देखो कैसे झटका मारा बहुत तेज, ये कभी कभार ऐसा हो रहा है इसके साथ में, बड़ी अजीब फीलिंग है। इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, टैपिट चेक कर ली इसकी, बंद हो गई, देखते रहो कहानी, ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रीशियन से चेक करा है, इलेक्ट्रीशियन बोल रहा कि सब कुछ ठीक है भैया, थ्रोटल बॉडी भी पहले बदली हो चुकी थी लेकिन अभी थ्रोटल बॉडी का भी फॉल्ट नहीं है इसमें, ये देखो बंद हो गई, देखो कैसे बीच रास्ते में बंद हो, यार तेरी यार गाड़ी मोड़ने में बंद हो गई यार, ऐसे में तो धोखा हो जाएगा यार कभी भी, और कोई चेक लाइट भी नहीं आ रही है इसमें। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि एक बार ECM बदल के देख लो, हम एक बार दूसरी गाड़ी का मंगाया मैंने ECM, उसको बदल के एक बार देखते हैं। भैया वायरिंग वायरिंग भी सारे ओके हैं, चेक चेक कर लिए उन्होंने, बता दी कि भैया वायरिंग सारी आपकी सही है, एक बार इलेक्ट्रीशियन ने राय दी है कि ECM बदल के देखो, तो वो सब प्रोसेस कर लेते हैं। दूसरा चाबी सेट देख सकते हैं, ये चाबी, इमोबिलाइजर और ये ECM, ये दूसरा तीनों सेट लगा के हम एक बार गाड़ी को चेक कर लेते हैं। ये ECM पड़ा हुआ है इसका पुराना, अंदर लगा हुआ ECM फिक्स है ये, और ये दूसरा ECM मैंने मंगाया, एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि ECM का पंगा तो नहीं है इसमें। पैनल खोल के निकाल रहे हैं, ECM को बदलेंगे इमोबिलाइजर को, ये वाला ECM अलग से लगाया हमने, और गाड़ी का ECM ये फिक्स है इसमें लगा हुआ है पहले। अभी ECM इमोबिलाइजर दोनों दूसरा लगा दिए, ये जो हमने अलग से लगाया है उसमें ये चाबी लगा दी, स्टार्ट करके देखते हैं, दिखाओ पास में दिखाओ, RPM दिखाओ बस, ये RPM फ्लैक्चुएशन है, देख रहे हो ना क्या कर रही है गाड़ी, ये प्रॉब्लम है गाड़ी के साथ में, यानी कि इस पे भी प्रॉब्लम सेम रहा। बोनट गिराना जरा एक बार चला के देखो, ये देखो बंद हो गए, ये कहानी है, अभी ब्रेकर से उतर रही है गाड़ी, इतने में बंद हो गए।
इस पे भी बंद हो रही है, यानी ईसीएम उसीएम का कोई चक्कर नहीं है। क्यों चेक करना जरूरी है ना, एक एक स्टेप, कोई भी चीज चेंज हो कोई फायदा नहीं है उल्टे सीधे। तो ये है कि ये पुराना लगा के हमने देख ली, अब यहाँ ब्रेकर है, अब देखते हैं यहाँ बंद तो नहीं हो रही है। बंद हो गई, अरे तेरी यार, ये कहानी है भैया। ठीक है जी, अब एक बार और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई, बंद हो गई, अरे अब तो बिल्कुल ही बंद हो, बार बार हो रही है। चलो चलाता हूँ मैं थोड़ा सा और। अरे तो भैया इस पे भी यानी ईसीएम उसीएम का फॉल्ट नहीं है, इससे कन्फर्म हो गया। भैया ईसीएम उसीएम भी सब फिट फाट करा दिए, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, थ्रोटल बॉडी किसी ने बदल ही रखा है तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया, एक तरह से सारा चेकअप हो गया। फाइंड आउट किए ये वायर, देख रहे हैं ना ये वायर टूटा हुआ, तो एक बार वायर को लगा के देखते हैं, ये सड़ गया है वायर, देख रहे हैं ना ये टूटा हुआ। इस वायर को एक बार लगा के देखते हैं कि क्या पता वायर का पंगा हो कि नहीं हो, और ये लेके आए हुए हैं दूसरा वायर, तो एक बार लगा के देखते हैं कि इससे बात बनती है ना, तो फिर कुछ और है तो फिर वो देखेंगे। चलो, अरे वाह बढ़िया, ये है वायर, उसको अब लगा रहे हैं। ठीक है, लगा के देखते हैं यार एक बार क्या कहानी है। तो वायरिंग लगा दी, बॉडी में टाइट भी कर दी, एक बार देखते हैं। ना नहीं बनी बात, कर रही है दिक्कत, जो घड़ाक देनी बंद हुई है ना, ये एक बार चला के आने दो। ये देखो ये गड़गड़ गड़गड़ कर तो रही है अभी भी, ये बंद होने के कगार पे आती है फिर भी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये गया गया गया, वाइब्रेशन बढ़ जा रहा है ना, पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन। दे वायरिंग वायरिंग हिलाना जरा, देखना कहीं से हिल तो ना रही है, कुछ गड़बड़ तो ना, बस लास्ट ही चल रहा है इसका, कोई एक्सीलेटर नहीं दिया जा रहा भाई, बिल्कुल एक्सीलेटर का पंजा खाली है। एक बार वायरिंग वायरिंग हिलाना जरा, अब तो आरपीएम ही बढ़ गया यार। हाँ जी, अब तो आरपीएम ही हाई हो गया, अभी रेस दिया मैंने। ऐसा लग रहा गाड़ी ठीक हो गई क्या, ये कैसे प्रॉब्लम है यार। आए है, बंद हो गया बंद हो गया, करो स्टार्ट। अब ठीक है जी, अब ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, अब करने लगे। दोबारा से एक बार, वही फॉल्ट है, वही है फॉल्ट, दोबारा से करो। हैं फॉल्ट, फॉल्ट मिल गया, अब करने लगी गाड़ी, करने लगी गाड़ी, अब बिल्कुल सेट है, सेट है, बिल्कुल सेट है। हटाओ, हाँ हाँ यही है, यही है, यही है, फॉल्ट मिल गया भैया, फॉल्ट मिल गया, और फॉल्ट है अंदर। ओ हो, उसकी ये है कहानी, कुछ इसी का इशू है। ये देखो क्या कर रहे थे कि वो गाड़ी सेट हो जा रही थी, ऐसे कर रहे थे क्या वायर के साथ, ये वायर भी बदला गया है। तो भैया फॉल्ट पकड़ में आ गया फाइनली, पता नहीं कितना समय लिया इसने,
चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं वो भी फॉल्ट है या फिर आगे कहीं और है, अभी कुछ गारंटी नहीं है, अभी तो इशारा हुआ है, अभी और भी है कहानी। कैसे जाम ही हो गया क्या भैया? ये है कपलर, कपलर में भी है कार्बन, और दूसरा चीज क्या है इसमें? हाँ हाँ, ये देखो इसका पिन बाहर निकला हुआ है, इसका इसका भी बाहर निकला हुआ है, लेकिन तीन नंबर का क्या है अंदर गया हुआ है, घुसा हुआ है, और ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा होगा जरूर हर हाल में, देख सकते हैं आप। तो 1% एक करके देखते हैं, क्योंकि गाड़ियों में तो ट्विस्ट आता जा रहा है ना, एक को कर रहे हैं, दूसरा दूसरे को कर रहे हैं, तीसरा तीसरे को कर रहे हैं। अभी कपलर खोले हैं इनके, ये अलग से कपलर लगे हुए हैं, और इसमें भी जंग लग रहा है भैया, और ये तो खैर इसमें सिस्टम हिला ही हुआ है इसका, कपलर मैं बदलूंगा, लेकिन इसमें भी फॉल्ट है, देखते हैं इससे ठीक हो पाती है कि नहीं, नहीं तो नेक्स्ट देखेंगे कुछ और। तो ये भैया कपलर है मंगाए हैं हमने न्यू ब्रांड, ठीक है जी, न्यू ब्रांड कपलर मंगाया है हमने, और ये चूँकि है मैप सेंसर का, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी मैनिफोल्ड के प्रेशर का है। अब इसको लगवाते हैं, ठीक है जी, लो लगाओ जरा भाई, तार वार जोड़ जाड़ दिए बढ़िया से, देखते हैं फर्स्ट स्टार्ट। एक बार चला के लेके आने दो, रुक जाओ, गाड़ी को चला के लेके आने दो, आगे ब्रेकर आ रहा है, यहाँ ब्रेक लगाऊंगा मैं। ओए आपकी बारी तो बंद नहीं हुई भाई, एक और ब्रेकर आ रहा है यहाँ, ओए शाबाश, मुझे लग रहा गाड़ी सेट हो गई है क्या ये, ब्रेकर यहाँ ब्रेकर पे बंद हुई थी वो, मेरे को याद है यहाँ पे बंद हुई थी। अरे वाह भाई भाई, ये तो गाड़ी लग रहा सुधर गई यार, क्या कहते हो? ये एक और ब्रेकर आ गया यहाँ भैया, ये गाड़ी लग रहा सुधार हो गया इस गाड़ी का, तो गाड़ी सेट हो गई भाई साहब, गाड़ी ने मजा गाड़ दिया लग रहा है वो कपलर का ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये सब चीजें जो है जल्दी पकड़ में नहीं आती है, 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 ये अचानक से सब कुछ होता है, बड़ा आग दिन एक ही बार बंद होता है अचानक से। अब जैसे एक ब्रेकर और आ गए यहाँ, ब्रेकर पे ही बंद होता था, क्योंकि ठक देने खुलता था गाड़ी बंद हो जाता था, तो इसका मतलब क्या माने यार, ये गाड़ी ठीक हो गई लग रहा है यार, एक और ब्रेकर, वाह जी वाह, सेट हो गया जी, नहीं सेट होगा तो और भी हमारे पास उपचार है, अभी अभी रास्ते बहुत हैं देख रहे हैं ना ऑन रोड नाइट का सीन है, देखो अब आगे आएगा ब्रेकर, अब ब्रेकर पे ही सबसे ज्यादा बंद होती थी, अच्छा चलने में भी बंद होती थी, जब 70 की स्पीड हम चलते थे गाड़ी ध्रुम बंद हो जाती थी, वाह जी वाह मजा आ गया यार, फॉल्ट में मजा आ गया, अब खुश हो गया दिल कि भैया ये फॉल्ट यही था, सही हो गई, अब दिल खुश हो गया। अरे है क्या बात है, ओए होए होए, चलो जी चलो 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 चलो, ये जाम में भी बंद होती थी बहुत बार, अब एक ब्रेकर है आगे यहाँ पे, ये रहा, बच गई बिल्कुल, बंद न हुई, बिल्कुल सेट है, बहुत परेशानी थी, प्रॉब्लम छोटा बेशक है, लेकिन भाई साहब बस कहने की बात है कि छोटा, जब रुलाना शुरू करती है इतना बंद हो रही थी, इतना बंद हो रही थी ये गाड़ी, पूछो ही मत ना सर कितनी बार बंद हो रही थी, कितना ज्यादा, ये लो बिल्कुल सेट है जी, ओए शाबाश, ये ब्रेकर ठीक है जी, एक और ब्रेकर, ओए शाबाश, देखते रहो जी बिल्कुल सेट है एकदम, सुई तो ऐसा लग रहा है एल्फी से लगा दिया गया यार, एक्सीलेटर सुई को ऐसा लग, ये बात है,
पता नहीं लोग मेरा इतनी वीडियो को देखेंगे कि नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई जेन्युइन दिखाने का मजा ही अलग है। ये ब्रेकर, ये बात है, बिल्कुल सेट है जी। ये एक बार भी बंद नहीं हुई गाड़ी, अनाई गड़बड़ करी गाड़ी ने। ओ भैया ब्रेकर, आए हाय, बस जी इधर कटिंग कर लो। इतने देर में कम से कम 6 से 7 बार बंद हुई थी भाई साहब, इतनी बंद हो रही थी, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। और ये प्रॉब्लम इतनी तकलीफ दे रही है, देखो बम्पर ब्रेकर देख रहे हो ना, यानी कि बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट हो गई भैया। ये है ये है जी भैया, आ गई अपने द्वार। तो गाड़ी है बिल्कुल 0-0, ये देखो कोई आरपीएम फ्लैक्चुएशन नहीं, दिल खुश हो गया, कस्टमर को दे सकते हैं भाई। गैराज पे बहुत गाड़ियां फंस रही हैं लाइन से भाई, पर एक एक करके गाड़ियों को निकाल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। आय हाय हाय, ये भाई गाड़ी हो गई डन, ठीक है जी। अभी और भी गाड़ियां हमने बनाई है, अरे मज़ा आ गया भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ गया ना ना। ये अच्छा, इसमें इसमें भी प्रॉब्लम है यार, अभी इसको भी देखेंगे यार। एक बार गाड़ी चलाया फिराया, गाड़ी में मज़ा आ गया, तो वीडियो यहीं समापन कर रहा हूँ, ठीक है। रुलाया है गाड़ी, लेकिन मज़ा भी आ गया भाई। तो ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। सीधा कर दो, बस 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 बस। अरे कितना मीटर चल गया टोटल? 89,253 था, 89,508, इतना किलोमीटर चला लिए और गाड़ी में मजा आ गया। मेरा टाइगर है, कैसा चल रही है गाड़ी? बहुत बढ़िया, एक बार भी बंद नहीं हुआ। अरे क्या बात है, पहले तो हर सेकंड में बंद हो रहा था है? पहले जैसे ही रोक दिया गाड़ी वही बंद हो रहा था, एक्सलेटर से पैर हटा तो है, हटाते के साथ ही बंद हो जाता। तो मैंने चलाया था, अब कैसा है? अब बिल्कुल बढ़िया, अब तो बंद हो भी नहीं रही है। चल, ये हमारा टाइगर जो है यही काम, पूरा इसके अंडर में ही काम है मेरा, तो यही सब मेन आदमी है मेरा। तो ये अभी बिल्कुल गाड़ी 200-250 किलोमीटर गाड़ी चल गई, बिल्कुल गाड़ी एक्यूरेट है भाई। तो ठीक है, ओके थैंक यू, गाड़ी लगा दो, साइड में लगाओ। ये है वैगनार, और रुला दिया था इसने।